अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे नेचर ऑफ टीचिंग एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बात करूंगी। टीचिंग इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस। टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग इज कॉजिंग टू लर्न। टीचिंग इज अ स्टिम्युलेटिंग लर्निंग। टीचिंग इज गिविंग गाइडेंस। टीचिंग इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। टीचिंग इज हेल्पिंग द नेचर ऑफ टीचिंग। पहले टीचिंग का मतलब सिर्फ अहमियत हासिल होती थी, बच्चे के तरीके को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता था, इसकी जरूरत और आवश्यकता पर कोई तवज्जो नहीं होती थी। बच्चा अहम नहीं होता था, उस्ताद और मौजू ही अहम समझा जाता था। बस उस्ताद का काम पढ़ाया और बच्चे का काम सिर्फ याद किया। रेडीमेड मटीरियल को ही अहमियत दी जाती थी। रेडीमेड मटीरियल से बच्चे की तवानाई खत्म हो जाती थी, उसमें काम करने की सलाहियत भी नहीं इतनी होती थी। आज के जदीद तालीम ने बच्चे को रोशनी में लेकर आया है, इससे तालीम के तसव्वुर में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस। टीचिंग की नौयत का ये मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें तीन मरकजी निकात होते हैं, उस्ताद, स्टूडेंट्स और मौजू। हकीकत में तीनों के दरमियान आपस में बहुत गहरा तअल्लुक है। तदरीस एक मुत्तहिद कुव्वत है। इसके बगैर हम तदरीस नहीं कर सकते, यानी कि टीचिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक तीनों मौजूद ना होंगे। तीनों में तलकात की क्याम और मौसर तलकात कायम करने के लिए अमल में सबसे ज्यादा फाल अहमियत रखता है। उस्ताद अपने शिगिर्द को समझना चाहता है और दूसरी तरफ मजमीन का मुकम्मल इलम हासिल होना चाहिए उस्ताद को, फिर ही जाकर तदरीस मुकम्मल हो जाती है। सेकेंड टॉपिक इज टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे को मालूम नहीं होती या वो नहीं जान सकता, लिहाजा बच्चे को कुछ मुफीद इलम फ्राहम करना बहुत जरूरी होता है। इसकी जरूरियात और सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए इसे मनज़म और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। फोर पॉइंट इज टीचिंग इज अ स्टिम्युलेटिंग लर्निंग। बच्चे के साथ खाली बर्तन की तरह सलूक नहीं किया जा सकता जिसमें किसी भी किस्म की मालूमात डाली जा सके। हम बच्चे को सीखने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो सिर्फ सीखेगा जब वो सीखने के लिए तैयार होगा। लिहाजा उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को रजाकाराना तौर पर सिखाए। उस्ताद इसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज गिविंग गाइडेंस। सिर्फ इसकी दिलचस्पी को उबारने और बच्चे को इसके अपने हिस्सों पर छोड़ना ही काफी नहीं है। बच्चा भी तरतीब हरकत कर सकता है, वक्त को सरासर जिया कर सकता है, लिहाजा इसे सही तरीके से और सही वक्त पर सही काम करने की रहनुमाई करनी चाहिए। इसे हिस्सों पर छोड़ना ही काफी नहीं है। बच्चा भी तरतीब हरकत कर सकता है, वक्त को सरासर जिया कर सकता है, लिहाजा इसे सही तरीके से और सही वक्त पर सही काम करने की रहनुमाई करनी चाहिए। इसे ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें ये अपने तहरीकों के बारे में सही जवाब देने के काबिल हो सके। ये हमें तदरीस के एक अहम पहलू की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। इसमें है कि तदरीस का मकसद कामयाब समाजी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसके लिए बच्चा अपने माहौल में मौसर और एडजस्टमेंट करने की सलाहियत की जरूरत होती है। इसके लिए इसे स्कूल में आसान माहौल फ्राहम किया जाना चाहिए जिसमें बच्चा मुश्किलात पर काबू पाना और छोटे पैमाने पर मौसर एडजस्टमेंट करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू डिवेल्प इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर हमने जज्बात की तरबियत ना की तो तदरीस नाकाफी होगी। सही अमाल सही एहसास से पैदा होता है। बच्चे को तहफ़ का एहसास होना चाहिए जो मोहब्बत और आज़ादी के माहौल में ही मुमकिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।